7 सिमरन। इस वक्त के बड़े अपडेट की बात करें तो मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में फिर नया मोड़ आ गया है। जहां जबलपुर हाईकोर्ट के पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने के इनकार के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस नेताओं द्वारा दायर की गई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और अब 11 दिसंबर 2021 शनिवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। इस वक्त का बड़ा बेटा आप जान रहे हैं। दरअसल 9 नवंबर 2021 को पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी याचिकाओं पर जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और 40 मिनट लंबी बहस चली। बहस के बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने ग्वालियर बेंच में जस्टिस रोहित आर्या की अध्यक्षता वाली युगलपीठ द्वारा पूर्व में अंतरिम राहत की अर्जी खारिज करने के बिंदु को ध्यान रखते हुए मांग नामंजूर कर दी। इसके बाद पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखर ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। इसके बाद कांग्रेस नेताओं सैयद जाफर और जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की है। और आपको बता दें इसमें कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने ट्वीट कर बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका स्वीकार कर ली है। शनिवार को सुनवाई होगी और इसके तहत प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा 2019 के परिसीमन और आरक्षण को निरस्त करने के आदेश को चुनौती दी गई है। ये था आप तक का बड़ा अपडेट। लगातार हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ। फैमिली पर जय हिंद जय भारत।